नशे के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग तस्करी के मामले में एक नाइजीरियन को धर दबोचा है। आरोपी बाहरी दिल्ली के निहाल विहार थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में नशे की खेप तैयार कर रहा था। दरअसल राजधानी दिल्ली में नशे के खिलाफ दिल्ली पुलिस का कमर तोड़ अभियान लगातार जारी है। विशेष तौर पर बाहरी जिला पुलिस द्वारा ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। इसी फहरिस्त में बाहरी जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक्स की टीम ने नशे की बड़ी खेप के साथ एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस नाइजीरियन के कब्जे से करीब 531 ग्राम एम्फेटामाइन ड्रग्स बरामद की है। पुलिस के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 4 से 5 करोड़ रुपये की बताई जा रही है। जिले के एडिशनल DCP अमित वर्मा के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर जब नारकोटिक्स की टीम निहाल विहार थाना क्षेत्र में छापेमारी करने पहुंची, तो टीम ने देखा कि वहां पर भारी संख्या में ड्रग्स को तैयार करने का काम किया जा रहा था। पुलिस ने तुरंत मौके से एक शख्स को धर दबोचा, जिसकी पहचान ओके चुकवू मॉर्गन के रूप में हुई है। हालांकि इस दौरान उसके दो साथी मौके से भागने में कामयाब हो गए। बाह्य जिला की पुलिस ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक NDPS का केस रिजोल्व किया है, जिसमें एक नाइजीरियन व्यक्ति था जो कि पश्चिम निहाल विहार थाने के एरिया में एम्फेटामाइन ड्रग जो कि कॉन्ट्राबैंड है उसको मैन्युफैक्चर कर रहा था। तो हमने उसकी बड़ी क्वांटिटी पकड़ी है, 531.35 ग्राम, जो कि जनरली ड्रग्स के केस में 50 ग्राम से ऊपर कमर्शियल क्वांटिटी में केस लिया जाता है, कमर्शियल क्वांटिटी होती है। तो ये एक बड़ा अमाउंट पकड़ा है हमने, और इसमें जो अभियुक्त है उसको भी गिरफ्तार कर किया जा चुका है। नाइजीरियन युवक है, उसका नाम है ओके चुकवू मॉर्गन, ये नाइजीरिया का है। 2021 में इंडिया आया और उसके बाद कई काम किए, लेकिन बाद में अभी रिसेंटली जो हमने पकड़ा है वो इस केस में इन्वॉल्व पकड़ा है, इस काम में इन्वॉल्व उन्होंने उनको पकड़ा है। और उसमें दो अभियुक्त और इन्वॉल्व है जो कि वी आर आफ्टर देम, हम अभी उनके पीछे हैं और जल्दी वो भी पकड़ लिए जाएंगे। उनके नाम आइडेंटिटी सब कुछ निकाले जा चुके हैं। तो वो 4 से 5 करोड़ के बीच में है, इंटरनेशनल मार्केट में बिकती है, और ये चंद्र विहार दिल्ली में रह रहा था, और ये 48 ईयर्स का है, और जनवरी 2021 से ये इंडिया में रह रहा है। फॉर द टाइम बीइंग हम ये बोल सकते हैं ये पुलिस के लिए अच्छा है कि हमने कुछ कड़ी पकड़ ली है। अब पुलिस का प्रयास ये है कि उस कड़ी को जोड़ते हुए अगली कड़ियों तक पहुंचा जाए और पूरी चैन को ओपन किया जाए। तो उसमें जो जैसे मैंने बताया कि अभी दो फर्दर और दो लोग बाग भी हमने आइडेंटिफाई कर लिए, उनकी भी आइडेंटिटी हमको पता है, तो हम उनके पीछे, पुलिस टीम उनके पीछे पड़ी हुई, हमारी जो नारकोटिक्स स्क्वाड है, और जल्दी वो भी पकड़ लिए जाएंगे, और पूरा प्रयास किया जाएगा कि इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज ओपन करके इस पूरे सिस्टम को, जो भी इन्वॉल्व हैं इसमें, उनको नाब किया जाए, ओपन किया जाए। अजीत कुमार, ETV भारत, दिल्ली। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिल्ली के चंद्र विहार में रह रहा था और जनवरी 2021 में भारत में आया था। जिले के एडिशनल DCP ने जानकारी देते हुए बताया कि इसमें पुलिस ने अन्य दो आरोपी की पहचान भी कर ली है, जिसे पकड़ने के लिए लगातार जगह जगह दबिश दी जा रही है, और पुलिस का दावा है कि जल्द ही इसके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे में अब देखना लाजमी होगा कि दो अन्य साथी कब तक दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में होंगे। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन TV।